तुलसीदास तो इतने सहज हैं कि उन्होंने संतों को प्रणाम किया पर साथ में असंतों को भी प्रणाम कर दिया। उन्होंने श्रेष्ठों को प्रणाम किया तो दुष्टों को भी प्रणाम कर दिया। उन्होंने विद्वानों को प्रणाम किया, मूर्खों को भी प्रणाम कर दिया। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, सबके आगे नतमस्तक हो गए। कारण क्या? कारण श्रेष्ठों की श्रेष्ठता को नमन है, योगियों के योग को नमन है, भक्तों के भजन को नमन है, बाकी ज्ञानियों के ज्ञान को नमन है, लेकिन मूर्खों की कौन सी चीज को नमन है? बोले आपकी मूर्खता को नमन। क्यों? क्योंकि यदि मूर्ख को मूर्ख कह दिया तो आपका काम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, आपको भी वो ज्ञानी रहने नहीं देगा। कहा इसलिए आप बहुत नमन के योग्य हो, सबको नमन है। मेरा राम जी का काम चल रहा है, इसलिए इस काम में कोई बाधक ना बने, सब मेरे लिए इस काम में सहयोगी सिद्ध हो सके, इसलिए सबको नमन।